रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे राज्य महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2018 का फाइनल मैच मंगलवार को वाराणसी और गोरखपुर के बीच खेला गया। मैच बहुत ही रोमांचक था। दोनों टीमों ने खिलाड़ियों ने अपने अपने दांव आजमाए। इस दौरान टीमों के समर्थक भी अपनी टीमों का हौसला अफजाई करते नजर आए। खेल के आधे समय तक गोरखपुर पर वाराणसी 7-13 के अंतर से आगे रही। दूसरे हाफ में वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 26-17 के अंतर से जीत कर प्रतियोगिता की बनी विजेता। विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने उपहार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि प्रभारी वन अधिकारी अखिलेश पांडे, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ अरुणेश शाही, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ सुशील यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव, सचिव जिला कबड्डी संघ पी के पांडे, सभी अतिथियों का स्वागत क्रीड़ा अधिकारी मंडल ए के पांडे ने किया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी दिलीप कुमार, प्रशिक्षिका कबड्डी गोरखपुर मंडल विजय लक्ष्मी, प्रशिक्षक वाराणसी बिहारी सहित प्रतियोगिता के निर्णायक अन्य प्रशिक्षक, स्टेडियम के खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष कबड्डी संघ श्री आदित्य प्रताप सिंह जी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए परिचय प्राप्त करते हुए और गोरखपुर की टीम अपने कोच के साथ कि वो कबड्डी संघ के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद साई जी को उस वहाँ बैच लगाने का टेस्ट करें। बैच हुआ आपको के देने का कष्ट करें। प्रभात कुमार पांडे जी को बुके व बैच ऑफिसर डॉक्टर हरे राम यादव जी से अनुरोध करता हूँ। आरोप कुमार सिंह माथुर जी मौजूद हैं। खिलाड़ी अपना अपने स्थान पर है जो नहीं है। चल चल Yeah.
सरकारी आदमी है तू सरकारी ना है इसके काम देशीय महिला कबड्डी तथा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अखिलेश पांडे जी सौभाग्य वनाधिकारी गोरखपुर श्री अरुण साई अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ श्री दिनेश सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ श्री सुशील यादव उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती कबड्डी संघ यश भारती और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो बहुत सम्मान की बात है श्री पन्नेलाल जी जिला कबड्डी संघ के सचिव पी के पांडे जी परम सौभाग्य की बात है कि खेल निदेशालय ने इस कार्यालय को इतनी बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी दी है। मैं आप सभी लोगों का अपने कार्यालय की तरफ से समस्त खिलाड़ियों की तरफ से खेल परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं क्योंकि खिलाड़ियों ने मैच खेला हुआ है सुबह से आज तीसरा मैच है उन्होंने भाग लिया और कबड्डी में 17 मंडलों ने भाग लिया केवल अलीगढ़ की टीम नहीं आई और ये खिलाड़ियों के उत्साह का प्रदर्शन। साथ ही मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि अगले महीने में 24, 25 और 26 तारीख को इसी प्रांगण में पुनः स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना है 24, 25 और 26 महिला प्रतियोगिता है ये तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश खिलाड़ी पुनः गोरखपुर में दिखाई देंगे और इसके साथ ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है समय देने के लिए नवंबर महीने में एक अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुषों का है वो आयोजित होना है जिसमें विजेता टीम को 2 लाख और विजेता को 1 लाख और तीसरे स्थान वाले आने वाली टीम को 50,000 का इनामी राशि निर्धारित की गई है। श्री पांडे जी और मंच पर बच्चों जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको यहाँ बुलाया गया पांडे जी ने उनको ऑर्डर किया और काफ़ी समय बीत गया हम लोगों को खेल की भावना से खेल खेलने का जो है और देखने का। यही मैं कहूँगा कि जो बच्चे खेल की भावना से आए हैं बड़ा उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि आप खेल में भाग लें। खेल में तो एक जीतेगा एक टीम हारेगी लेकिन आप जो जीते हैं उनके लिए बधाई और जो हारे हैं ये ना सोचें कि हम हार गए हैं वो अगले प्रतिस्पर्धा में पुनः भाग लेंगे अच्छा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि खेल की भावना से ही खेल खेलना चाहिए। हार जीत तो थोड़ा कम मेहनत हुआ इसलिए अरे सेकंड पोजीशन पर आ गए अधिक मन करते तो फर्स्ट पोजीशन पर आते ये अच्छे तकनीकी अपनाइए और कबड्डी में जो भी दाव पेच होता है उसको अपने विशेषज्ञों से सीखिए अच्छा करिए। सभी खिलाड़ियों को जो है एक बार पुनः बधाई धन्यवाद।
प्रीतम सिंह, प्रिया गौड़, शिखा, शिल्पा, कृष्णा मणि, मिस सिंह, निवेदिता वर्मा, कुसुम, इधर देखो, इधर देखो ऊपर। देखो पीछे है।